भारतीय संविधान कहता है धर्म जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन है। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे, उन्होंने किया था। तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया, भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बैठा, भारत पाकिस्तान इसलिए बैठा था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के दो राष्ट्र की मांग किया था और दो राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। पूर्व मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा हिंदू महासभा को देश विभाजन का जिम्मेदार कहना यह अत्यंत निंदनीय है, हम इसको खारिज करते हैं। हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र के समर्थक था कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस की विचारधारों की देन है, क्योंकि वह चाहते थे सत्ता के लोलुप कांग्रेस से चाहती थी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और जो है उसको जिन्ना को विभाजित करके एक दे दिया। और जबकि जब वो मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान तो भारत तो स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, और लेकिन कांग्रेस के नेता और स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारधारा के लोगों ने इसको जानबूझ करके सेकुलर रूप दे दिया। जबकि हिंदू महासभा का पहले भी संकल्प था कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वर्तमान में भी हमारी मांग है कि देश हिंदू राष्ट्र होगा तभी सुरक्षित होगा। आप देखो कि पूरे विश्व में किस प्रकार से अशांति इस्लामिक आतंकवाद की वजह से अशांति फैली पड़ी है। अगर 1947 में 15 अगस्त 1947 को ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता तो आज वर्तमान में ये समस्या नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग पैदा नहीं होते। लेकिन यह निश्चित रूप से एजेंडा चला करके और पूरे इंडिया जो गठबंधन है, कभी स्टालिन, कहीं जगदानंद, कहीं चंद्रशेखर मंत्री और कहीं जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस प्रकार से हिंदू सनातन और हिंदू महासभा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, निश्चित रूप से देश सब कुछ समझ रहा है और चुनाव में आने वाले चुनाव में इनको बुरी तरह से जो है बदला लेगा। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी इस पे मौन है, इनके बार बार हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी पर, यह मुझे हतप्रस्त करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है। आखिर अखिलेश जी अपनी पार्टी को क्यों डुबोना चाहते हैं इसी उत्तर प्रदेश में? तो अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, निश्चित रूप से इनका बयान जो है बहुत अति निंदनीय है। मैं इनको खारिज करता हूँ और निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।